तू जमीन पे चिपके पानी में डूबे या फिर आसमान में जाके टंग जाए, पर तुझे माफी तो नहीं मिलने वाली। कहे कि सबको पता चल चुका है कि तू कितनी बड़ी झूठी है। और हाँ, अगर तू कृष्णा जी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है तो उनके परिवार की खुशी के लिए तुमने छोड़ नहीं सकती है कपिल। सही कहा तूने, हमारा कोई हक नहीं है इस घर में रहने का। जा रहे हैं हम, चली जा। नहीं पायल, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी हमारे साथ, हमारे घर में। क्या हो गया है आप लोगों को? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को इसका दर्द? क्यों आप लोगों को सब कुछ झूठी लग रहा है? अरे अगर एक बार किसी ने झूठ बोल दिया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सारी जिंदगी के लिए वो झूठा बन गया। पर पापा, एक मौका तो सबको मिलता है ना, पर हमारे घर की प्रॉब्लम पता है क्या है? वही एक मौका अगर पायल को मिलना है तो वो नहीं मिलेगा। क्योंकि आप सभी लोगों ने हमेशा इसकी सिर्फ और सिर्फ गलतियां देखी है, कभी भी इसके दिल में झांकने की कोशिश नहीं की। दिल है क्या उसके पास? हमको तो लगता है इसके पास है ना सिर्फ शातिर दिमाग है, जो हर जगह दौड़ाती रहती है ये लड़की। शातिर चालाक दो के पास, थक गए हम ये सुन सुनकर। क्या आप लोग हमें इतना घटिया समझते? आखिर हमने कृष्ण के अलावा और मांगा ही क्या आपसे? मम्मी जी, मांगने की नौबत ही कहाँ पड़ी है? पहले ही आपने इस पे पैसों की बरसात चुकी है, कभी हार्ड कैश की तो कभी जड़ाव हार की। अभी तुम ना अपना मुनीमगिरी बंद करो तो, जब ना देखो तब धन और दौलत का हिसाब किताब करने लगती है। मतलब कुछ भी बोलती हो क्या? वो कहते हैं ना, घर में रोज बीमारी, दुल्हनिया पहने बनारसी साड़ी। भागो यहाँ से। वाह पल्लू, का अभिनय करती है तू। पूरे परिवार को तेरी सच्चाई पता चल चुकी, फिर भी कितने भोलेपन से तू अपना झूठा पक्ष रख देती है। अरे तुझे तो अभिनय का सबसे बड़ा इनाम मिलना चाहिए, वो इनाम जो उस दिन कृष्णा जी टीवी पर देख रहे थे। वो क्या कहते हैं, अजगर? मम्मी जी, अजगर नहीं, ऑस्कर। अरे जहर जोगन के पास आके ऑस्कर भी अजगर ही हो जाएगा। जहरीली के साथ साथ बहुत बड़ी लालची भी है ये पल्लू। वो तो है ही, लालची तो एक नंबर की है। उस दिन देखी नहीं, मकर संक्रांति वाले दिन अम्मा जेवर बांट रही थी तो कैसे लालची के जैसा कर रही थी, ये नहीं वो चाहिए, वो नहीं ये चाहिए। अरे हमको तो लगता है ना कि कोई बच्चा भी लेमचूस चॉकलेट के लिए वैसे नहीं ललचता होगा। लालची कहीं की। ठीक है, आप सभी लोगों को यही लगता है ना कि पायल हमसे प्यार हमारे धन दौलत के लिए कर रही है, तो हम और पायल मिलकर के ये साबित कर देंगे कि हम दोनों खुशी खुशी बिना धन दौलत के प्यार से अपना जीवन गुजार सकते हैं। हमें आप लोगों से और इस घर से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं।
ठीक है, आप सभी लोगों को यही लगता है ना कि पायल हमसे प्यार हमारे धन दौलत के लिए कर रही है, तो हम और पायल मिलकर के ये साबित कर देंगे कि हम लोग बिना धन दौलत के भी खुशी खुशी प्यार से अपना जीवन गुजार सकते हैं। हमें आप लोगों से और इस घर से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। गॉड, हमने तो मालामाल होने के लिए इतने पापड़ बेले थे और इस कृष्ण ने तो एक ही झटके में कंगाल बना दिया। बाबू, तेरी सुई घूम फिर के एक ही जगह क्यों अटक जाती? जब देखो तब घर छोड़ के जाने का फैसला कर लेता है। हाँ, अरे घर छोड़ के जिसको जाना चाहिए वो तो हिमालय के बर्फ की जैसा यहां जम गई है, और तू घर छोड़ के जाने की बात कर रहा है। मम्मी, हमने कब कहा कि हम घर छोड़ करके जा रहे हैं? लेकिन हम पायल को भी तो नहीं छोड़ सकते ना, और आप पायल को घर में आने की इजाजत दे नहीं रही है, तो इसलिए हमने फैसला लिया है कि आज से हम और पायल आउट हाउस में रहेंगे। आउट हाउस? लेकिन वहां तो हमारे सर्वेंट्स रहते हैं ना, तुम वहां कैसे रहोगे? भाभी, सर्वेंट भी तो इंसान होते हैं ना, जब वो रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते? पर कृष्णा जी, इन सब की कहां जरूरत है? जरूरत है बिंदिया, क्योंकि तुमने पायल पर लालची होने का इल्जाम लगाया है, और हम ये साबित करना चाहते हैं कि पायल हमारे प्यार को पाने के लिए गलतियां तो कर सकती है लेकिन लालची नहीं बन सकती, क्योंकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पायल को हमारे प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, चाहे फिर वो महल हो या फिर झोपड़ी, चाहे 5 स्टार का खाना हो या फिर सूखी रोटी, चाहे लग्जरी गाड़ियां हो या फिर चिरैया की बैलगाड़ी, उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसे चाहिए तो हमारा प्यार, हमारा साथ, है ना पायल? हाँ, सही कहा तुमने। क्यों झूठ बोल रही है पल्लू तू इतना? क्यों कृष्णा जी को इतना धोखे में रख रही है तू? हाँ, अरे जरा सी भी तो शर्म कर ले। नहीं बिंदिया, पायल ने कोई झूठ नहीं बोला, ना ही कोई धोखा दिया है, और हम ये साबित करना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम बिना धन दौलत के पायल के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। इसीलिए आज से हमने फैसला लिया है कि आज से हम अपने बलबूते पर अपनी जिंदगी बिताएंगे, किसी से एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेंगे, जितना कमाएंगे उसी में हम और पायल मिलकर के अपनी जिंदगी गुजारेंगे, और हम एक दूसरे का पूरा ख्याल रखेंगे। ओ गॉड, इससे अच्छा तो हम जल समाधि ही ले लेते। बाबू, ये सब बोलना बहुत आसान, जब करने की बात आती है ना तो अच्छे अच्छे को दिन में तारे नजर आ जाते हैं। अरे जरा सा खाना ठंडा हो जाता है तो तू मुंह में नहीं लेता, सूखी रोटी कैसे गले से उतरेगी तेरे? और कृष्णा जी, आपको आपका तकिया ना मिले तो आपको नींद नहीं आती, फिर दूसरे कमरे में दूसरे बिस्तर पर नींद कैसे आएगी? बिंदिया, हमारे खाने हमारे सोने से कहीं ज्यादा जरूरी है हमारे लिए पायल की सेल्फ रिस्पेक्ट।
इसीलिए हमने जो फैसला लिया है वो अब नहीं बदलेगा।